नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। कुछ भी आगे आपको बताने से पहले, क्योंकि हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों पर आ रहे एग्जिट पोल की चुनावी स्थिति की, एक सबसे बड़ी बात में सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, उसके बाद जो परिवर्तन शायद हो सकता है इन चुनाव में हम उसका जिक्र करेंगे। 2009 में जब महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस को 82 सीटें हासिल हुई थी और एनसीपी को 62 सीटें हासिल हुई थी, यानी कि कांग्रेस और एनसीपी के बीच 288 सीटों की वो विधानसभा है, हाफवे मार्क 144 सीटें ये दोनों पार्टियां अपने आप पर हासिल कर चुकी थी 2009 में। 2014 में सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न बीजेपी और शिवसेना के साथ साथ ये है कि कांग्रेस एनसीपी का क्या होगा, जिसने 15 साल महाराष्ट्र पर एक गठबंधन की सरकार बनाकर राज किया है, क्या होगा? मैं आपको फिर आगे धीरे धीरे यह भी बताऊंगा अपने तमाम साथियों के साथ कि किस तरह से वो कौन कौन से इलाके हैं जो कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ के हैं, और अगर तब्दीली इस बार होती है तो कैसे बीजेपी के लिए तब्दीली हो सकती है। एक और बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, सिर्फ जोड़ रहा हूं यहां पर, कि 1995 के बाद 1999 का जब चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र में, तो शिवसेना और बीजेपी गठबंधन के साथ गए थे उस चुनाव को लड़ने के लिए, लेकिन जीत सेना बीजेपी की 1999 में नहीं हुई, जबकि 1995 में महाराष्ट्र में पहली नॉन कांग्रेस, पूर्णतः रूप से नॉन कांग्रेस सरकार सेना बीजेपी की देखी गई थी। मेरा सवाल यह है कि क्या ये चुनाव उस एक बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत में? पहले तमाम अलग अलग न्यूज चैनल्स क्या दिखा रहे हैं अपने ओपिनियन पोल्स में, उसको आप माफी चाहूंगा, अपने एग्जिट पोल्स में आप देखिए कि जो एबीपी न्यूज है वो भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें दे रही है, शिवसेना को 77 सीटें, कांग्रेस को 40 सीटें, 82 से 40 यानी कि आधी से कम कांग्रेस, और एनसीपी को 24 सीटें, 62 से 24 यानी कि एनसीपी भी आधी से कम। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि क्या ये गेन, क्या ये लाभ जो कांग्रेस और एनसीपी का एक समय में था, क्या ये बीजेपी का होगा इस बार? राज ठाकरे की एमएनएस 5 सीटें 13 सीटें थी उनके पास पहली बार, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। देखते टाइम्स नाउ का सी वोटर क्या कह रहा है, 129 सीटें दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं नीलसन और टाइम्स नाउ के आंकड़ों में, 2 सीटों का फर्क, लेकिन शिवसेना को टाइम्स नाउ का सी वोटर जो है वो सिर्फ 56 सीटें दे रहा है, 77 और 56 के बीच में एक बड़ा फर्क होता है। कांग्रेस को 43 सीटें, अभी भी अपनी पिछली परफॉर्मेंस से लगभग आधी कांग्रेस, एनसीपी को 36 सीटें अपनी पिछली परफॉर्मेंस से जो कि 62 सीटों की थी, काफी कम, एमएनएस जिसके पास 13 सीटें थी राज ठाकरे की पार्टी, टाइम्स नाउ उसको 12 सीटें दे रहा है और अन्य के हिस्से में 12 सीटें, ये 12 सीटें जो अन्य वाली हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखते हैं इंडिया टीवी और सी वोटर क्या कह रहे हैं, 124 से 134 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, शिवसेना के लिए 51 से 61, बहुत ज्यादा सी वोटर के आंकड़ों में, दोनों ही चैनल्स के लिए स्वाभाविक है बहुत फर्क नहीं होगा। कांग्रेस 38 से 48 सीटें, एनसीपी 31 से 41 सीटें, हर ही ओपिनियन पोल में कांग्रेस एनसीपी के लिए बहुत नुकसान, राज ठाकरे की एमएनएस 9 से 15 सीटें, और जो अन्य और आखिरी में अदर्स आ रहे हैं 9 से 15, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं अगर यही आखिरकार आंकड़े हुए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है। न्यूज 24 के जो चाणक्य हैं और चाणक्य की भविष्यवाणी ओपिनियन पोल के माध्यम से 151 सीटें बीजेपी के लिए, 151 सीधा मतलब 144 हाफवे मार्क है, आराम से अकेले भारतीय जनता पार्टी चाणक्य के हिसाब से महाराष्ट्र में सरकार बना रही है।
शिवसेना के लिए 71 सीटें, जो कि बहुत खराब आंकड़ा नहीं है मैं आपको बता सकता हूं एक एनालिस्ट के तौर पर, लेकिन फिर भी बीजेपी के आधे से कम। कांग्रेस बुरी तरह से पिट रही है, चाणक्य के हिसाब से 27 सीटें। एनसीपी भी बुरी तरह से पिट रही है, 28 सीटें, और बाकी 13 के आंकड़े पर हैं। तो ये कुल मिलाकर जो ओपिनियन पोल है उसकी तस्वीर मैं आपको बता रहा था। जैसे मैंने कहा कि मूल सवाल बिल्कुल स्पष्ट है, सारे ओपिनियन पोल इसकी तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि 2009 में 82 सीट्स, 82 सीट की कांग्रेस, 2009 में 62 सीट, 62 सीट्स की एनसीपी, ये दोनों मिलाकर 144 सीट होती हैं, और इनका अगर बड़ा नुकसान है तो क्या वो इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लाभ होगा। अखिलेश हमारे साथ मौजूद है, मेरे सीनियर साथी, भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं। अखिलेश हमारे साथ मौजूद है, शोभा ओझा हमारे साथ मौजूद है जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। प्रसाद ये भी महाराष्ट्र की सियासत को बहुत लंबे समय से देखते हैं। अखिलेश दिल्ली में बीजेपी की सियासत को बहुत करीब से देखते हैं। साथ में मुरलीधर राव साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। भरत कुमार राउत हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शिवसेना के। तस्वीर बिल्कुल साफ है। भरत कुमार राउत, मैं आपसे शुरू करूंगा, आप शिवसेना में भी रहे हैं और आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर वापस आप महाराष्ट्र को देख रहे हैं। मैं जो बात बार बार कह रहा हूं, जब मैंने भी इस बार महाराष्ट्र का दौरा किया तो बड़ा स्पष्ट था कि जहां जहां पर एनसीपी कांग्रेस गिरेगी, बीजेपी के लिए बड़ा गेन, बड़ा फायदा वहीं से आने वाला है। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हैं? बिल्कुल है। देखिए, ये बीजेपी ने एक साहसी चाल की कि उन्होंने शिवसेना के साथ जो 25 सालों से चला हुआ रिश्ता था वो इलेक्शन के चंद दिन पहले तोड़ दिया। ये बहुत ही एडवेंचरस था, इट वाज अ रिस्की गेम, लेकिन अमित शाह और मोदी ने शायद सोचा कि अगर रिस्क के लेनी है तो अभी लेना है, और ये जो उन्होंने रिस्क ली उसका बहुत बड़ा फायदा इस पार्टी को हो गया, क्योंकि अगर वो शिवसेना के साथ जाते थे तो इतनी सीटें उनको मिलने की उम्मीद नहीं थी, इतनी सीटें अभी उनको मिली है। दूसरी बात ऐसी हुई कि शिवसेना उनको 119 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। अभी मैं भरत, अभी मिली नहीं है, तो हम लोग आंकड़े और अंदाजन पर चल रहे हैं जो ओपिनियन पोल्स है। हाँ, लेकिन आप एक वैलिड पॉइंट रख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो कैलकुलेशन किया, अपना गणित उस हिसाब से बैठाया बीजेपी ने। हाँ भरत। हाँ नहीं, मैं मानता हूँ ये एग्जिट पोल है, लेकिन अगर एग्जिट पोल पे अगर यकीन किया जाए तो ये स्थिति हो रही है। अभी देखिए, जिस तरह से शिवसेना भाजपा का जिस तरह से झगड़ा हुआ, वो झगड़ा इसको लेके हुआ कि उन्होंने 119 सीट से शिवसेना देने को तैयार थी। अगर 119 से अगर ज्यादा मिलती तो 135 तक जा सकती थी, लेकिन अभी आंकड़े जो दिख रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम उतनी सीटें बीजेपी जीत रही है। इसका मतलब उन्होंने जो साहस किया, जो एडवेंचर किया, जो रिस्क लिया, वो अच्छा, अच्छी तरह से उनको उसका फायदा मिल गया है। और ये मुझे लगता है हरियाणा में भी इसी तरह की इनकी हालत है, तो ये अच्छा गेम खेल रहे हैं मोदी और अमित शाह मिलके, ऐसे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छा वेंचर अखिलेश। बीजेपी की पुरानी समय से तय की हुई सोची समझी रणनीति थी कि यह कहानी सिर्फ यह है कि रिश्ते इतने बिगड़ गए थे शिवसेना से कि आपको इस रास्ते जाना ही पड़ा, अब वो रास्ता आपको बड़ा चमत्कारिक नजर आ सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है अभियान की अगर एग्जिट पोल के आंकड़े अगर सही आते हैं, 19 तारीख को नतीजे अगर यही बन जाते हैं, तो शिवसेना सबसे बड़ी लूजर इसमें उभर करके सामने आएगी, क्योंकि सिर्फ 7 सीटों के लिए, जो हमें आज लगातार हमारी बीजेपी के उन बड़े नेताओं से बातचीत हुई है जो इस फैसले में शामिल थे कि शिवसेना के साथ रिश्ते होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, जो लगातार बातचीत करते रहे, आखिरी वक्त तक बीजेपी कोशिश करती रही कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन बना रहे, लेकिन सिर्फ 7 सीटों के लिए हमें बताया गया कि 147 सीटें शिवसेना को देने की बात थी, 127 बीजेपी को और 14 सीटें अन्य, लेकिन इस फार्मूले के लिए शिवसेना तैयार नहीं हुई। 151 के आंकड़े पर शिवसेना आखिरी वक्त तक अड़ी रही, और यही वजह रही कि बीजेपी को लगा कि जब खुद उसका अपना इंटरनल असेसमेंट ये कह रहा था कि अगर वो शिवसेना के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ती है तो कम से कम 120 सीटें वो जीत सकती है शिवसेना के साथ लड़ने के बाद भी, तो पार्टी को लगा कि इससे बेहतर होगा कि वो अकेले अपना चुनाव लड़े। मुझे लगता है इसी वजह से बीजेपी ने फैसला किया, एक जुआ खेला
एक कह सकते हैं कि जोखिम उठाया और लग रहा है कि वो पे ऑफ करता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। मुरलीधर राव, आप लोगों ने शिवसेना से रिश्ता तोड़कर एक चाल चली, सियासत में बिसात होती है, बिसात में बाजियां चली जाती हैं, हो सकता है आपका मोहरा दांव पे लग जाए, या सीधी सीधी कहानी कि आपके रिश्ते तो बिगड़े गए थे शिवसेना के साथ? ऐसी बात, पहली बात अपने को ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि 15 साल से जो कांग्रेस और एनसीपी की जो कुशासन है उससे लोग थक गए हैं महाराष्ट्र में, ये स्पष्ट सबको मालूम हो रहा था। और लोग परिवर्तन चाहते थे, किसी भी सूरत में परिवर्तन चाहते थे, और ऐसी स्थिति में परिवर्तन होना पक्का था। और किसी भी प्रकार से कांग्रेस और एनसीपी वोट डिवीजन के कारण लाभान्वित होगी ऐसी स्थिति नहीं थी। और ऐसे में हम शिवसेना के गठबंधन को बहुत अहमियत दे रहे थे, और वो गठबंधन सीटों के नाते नहीं दे रहे थे और हिसाब किताब के आधार पर नहीं दे रहे थे, हम एक रिश्ता और संबंध के नाते दे रहे थे और हम बचाना चाहते थे, हम साथ लड़ना चाहते थे। किंतु शिवसेना के नेतृत्व जो परिवर्तन की लोगों की मनस्थिति और उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो कुल मिलाकर के जो साथ ले जाने की, उसमें हम बाकी अन्य लोगों को भी साथ ले जाना चाहिए जो बात हमने रखा था, और बाकी कुछ अन्य विषयों पर भी उनको हम उनको समझाने में विफल रहे और वो समझने में विफल रहे। तो ऐसे में हमने ये सोचा कि परिवर्तन की जब लोगों को चाहत रहेगी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जिस प्रकार के परिवर्तन की दिशा को आगे बढ़ा रही है और कांग्रेस मुक्त एक भारत निर्माण करने में और कांग्रेस की शासन और कांग्रेस की भ्रष्टाचार की राजनीति से दूर करना है, तो भाजपा कैसे सशक्त है, इस प्रकार से हम प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी साफ ढंग से महाराष्ट्र में अपने स्वतंत्र उसकी संख्या ला सकती है और हम सरकार खुद बनाने में और लोगों में इस प्रकार की बात विश्वास को बिठाने में सफल हो जाएंगे, ये बात हमने एक आंतरिक तौर पर विचार किया। और हमारे लिए बल एक ही बात है कि लोगों के परिवर्तन की जो भूख और नरेंद्र मोदी जी की जो नेतृत्व के प्रति लोगों में विश्वास, ये दो बातों को लेकर और कितना 5 महीनों में इस विश्वास को हमने और आगे बढ़ाया है और सशक्त किया है। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति लोगों में एक आशा भरी नजरों से जो देख रहे हैं उसी बात को हमने महाराष्ट्र में और मजबूत किया और प्रदेश भर में हम उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुरलीधर जी, अभी आप एकदम लोगों में पहुंचे, आप अपनी बात रखी बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसका ऐसे भाषण दे रहे हैं कि जैसे नतीजे आ ही गए और आपकी सरकार का शपथ ग्रहण हो गया। थोड़ा सा 19 तक का धैर्य रखिए, पूरा मौका मिलेगा, मैं उसके बाद शोभा जी को पूरा समय दूंगा, आप इत्मीनान रखें, अगर आपकी सरकार बननी होगी तो बन जाएगी, उसमें अखिलेश शर्मा प्रसाद काथे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप भाषण नहीं दीजिए अभी। प्रसाद, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, आप और हम लोग भी जब मैं मुंबई में था तो ये बड़ा स्पष्ट था कि शिवसेना के लिए एक विषम परिस्थिति का ये कैलकुलेशन था। सियासत में आपको रिस्क लेना पड़ता है, अपने हिस्से की गणित, अपने हिस्से का कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर ये नतीजे होंगे या इसके आसपास नतीजे होंगे, प्रसाद मेरा सीधा सवाल आपसे है, क्या होगा उद्धव ठाकरे का और उनके नेतृत्व का? देखिए, जो नतीजे आ रहे हैं उसमें शिवसेना के लिए आज की तारीख में भी संभावना बनी हुई है। सत्ता एक ऐसी चीज है जो कि संभावनाओं के साथ और आंकड़ों के तिकड़म के साथ चलती रहती है। अगर समझिए बीजेपी 110 तक पहुंच जाती है तो भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली, उसमें शिवसेना की सरकार एनसीपी के साथ और कांग्रेस के बाहरी के समर्थन के साथ भी बन सकती है, उसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री पद आ सकता है। अगर बीजेपी आगे चली जाती है किसी भी हाल में, वो 130 के आसपास पहुंच जाती है तो बीजेपी की सरकार बनना तय है, लेकिन अगर वो 100 और 110 के बीच में रह जाएगी तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। ये वर्तमान मौजूदा हालत है। अब इसमें अगर शिवसेना का क्या होगा, बीजेपी की सरकार अपने दम पे बन गई तो एक अंतरिम और अंतर्गत निराशा से ये पूरी पार्टी ग्रसित हो जाएगी। दूसरी बात, अगर अपना मुख्यमंत्री बनते हुए शिवसेना देखती है तो एक अचानक से नई ऊर्जा उनमें आ जाएगी। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं, शरद पवार उनको समर्थन दे सकते हैं,
और ये पूरे गणित में संभावना ये है कि शिवसेना अपने आप को एक बेहतर स्थिति में देखे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में शिवसेना को पे ऑफ नहीं करेगा। जिस एनसीपी को वो गहराती अब तक एक तरीके से कोसती आ रही है, उसके साथ केवल बीजेपी को अलग रखने के लिए वो सत्ता में आती है, तो राज्य में एक राजनीतिक अस्थिरता होगी और ये ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल तक चलेगी, जिसके बाद हो सकता है 100 से 110 के बीच की बीजेपी और शिवसेना क्या वापस आ सकते हैं। मुझे याद है नितिन गडकरी ने मुझसे भिवंडी में कहा था कि हम क्यों नहीं साथ आ सकते, कैमरे पर ये बात की थी। तो अगर 100 से 110 के बीच की भारतीय जनता पार्टी है तो क्या शिवसेना फिर उसको साथ ले लेगी? लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि उस सूरत में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। देखिए, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन शिवसेना एंड बीजेपी, पर्टिकुलर फ्रॉम शिवसेना साइड। सो आई सी अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी कि शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन सत्ता एक चीज ऐसी है, आफ्टर पॉलिटिक्स से गेम ऑफ पावर। अगर सत्ता जो ये मिलने वाली है, अगर महाराष्ट्र की अगर राजनीति करनी है तो उनको बीजेपी के साथ अगर जाना भी पड़े तो शायद वो जाएंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि एक बार उन्होंने अगर सेकंड फिडल बजाना शुरू किया तो बाद में अगर प्राइम सीट में आने की गुंजाइश बीजेपी शिवसेना कभी नहीं रख सकती। अगर और शिवसैनिक भी उद्धव ठाकरे जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, तो उद्धव जी तो बाहर चले जाएंगे, दूसरा कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो इससे पार्टी का जो बढ़ना होता है, पार्टी जो स्टेट में बढ़नी चाहिए और रिटेन करनी चाहिए, वो काम नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है अगर उनको उनके हाथ में मुख्यमंत्री का पद नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है शिवसेना बीजेपी के साथ जाएगी। शिवसेना मैं शोभा जी बहुत आराम से ये सारी बहस को, स्वाभाविक आज के दिन ये बहस बीजेपी शिवसेना के इर्द गिर्द रहेगी। मैंने जो प्रश्न आपके मुख्यमंत्री से मुंबई में पूछा था पृथ्वीराज चौहान से, वही सवाल आपसे भी आज पूछूंगा कि लोग आपको क्यों लग रहा था कि लोग आपकी सरकार का एनसीपी से रिश्ता टूटने के बाद हिसाब किताब करते हुए कांग्रेस को वोट दे देंगे? क्यों दे दें लोग आज की स्थिति में कांग्रेस को वोट? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 15 साल महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी सरकार दी और 15 साल में आप चौहान जी की अगर मैं खुद जब कैंपेन में गई थी, एक सर्वे पढ़ रही थी वहां, तो पता लगा कि पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में चौहान जी थे। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अगर किसी के पास सबसे अच्छा था तो वो कांग्रेस पार्टी के पास था। और प्री पोल पे वैसे हम कमेंट नहीं करते, प्री पोल पे हम विश्वास नहीं करते, असली पिक्चर तो 19 तारीख को पता लगेगी कि किस पार्टी को कितने वोट मिल रहे हैं। पर 15 साल की सरकार बहुत अच्छी सरकार, स्टेबल सरकार और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड सरकार हमने दी है, तो उसी बल पे हम इस चुनाव में गए। अब चुनाव हो गए, हम लोग एग्जिट पोल की स्थिति में। हाँ, नहीं, मैं आपको 15 साल की एनसीपी कांग्रेस की सरकार में जो जो बातें आपने रखी उसके अलावा 15 मुद्दे और गिना सकता हूँ। भ्रष्टाचार बता सकता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बता सकता हूँ, मुख्यमंत्रियों पर लगने वाले आरोप बता सकता हूँ, उप मुख्यमंत्री के बारे में आज जो तब आपके उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार उनके बारे में आज पृथ्वीराज चौहान क्या कह रहे हैं ये बता। तो ये तो मत कही है कि अब 15 साल की स्टेबल और विकासशील, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, लेकिन 15 साल के एनसीपी के साथ एनसीपी के साथ मुश्किल रिश्तों की सरकार थी। एनसीपी के साथ 3 बार चुनाव रिश्तों की सरकार थी। जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कांग्रेस को चुना और ये 4थी बार गए थे। 3 बार की जीत के बाद 4थी बार अभी सरकार चुनाव में गई थी, इस बात को मत भूलिए। अगर 5 साल बाद काम नहीं करती, भ्रष्टाचार होता तो सरकार को पलट देती जनता। पर 15 साल की सरकार थी, इसको मानिए कि काम अच्छा किया, तभी लगातार 15 साल सरकार में आई कांग्रेस एनसीपी की सरकार वहां जो थी। अगर काम नहीं करती और जैसा कि आप तमाम मुद्दे बता रहे हैं, ऐसे कोई मुद्दे होते तो जनता नहीं चुनती। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, पहली बार सब पार्टियां अपने बलबूते पे लड़ रही थी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, तमाम पार्टियां अपने बलबूते पे लड़ रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स इस चुनाव को इफेक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट 19 को आएंगे तभी बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन से फैक्टर्स ने किस क्षेत्र में महाराष्ट्र के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है। अभी उस पे बहुत ज्यादा गणित लगाना प्री मैच्योर होगा।
ठीक, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गणित लगाना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि जो कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ के पुराने इलाके हैं, मूलतः महाराष्ट्र जो है ये कांग्रेस की पकड़ का प्रदेश है, इसको कभी मत भूलिएगा। कांग्रेस से ही शरद पवार आए हैं, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर अलग हटकर उन्होंने एक पार्टी बनाई, उसके बाद सोनिया गांधी की साथ ही वो दिल्ली में भी रहे सरकार में, 15 साल एनसीपी की सरकार उन्होंने महाराष्ट्र में चला ली। तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि वो जो इलाके हैं क्या इस चुनाव में जब 19 को नतीजे आएंगे, मैं खास तौर पर महाराष्ट्र की सियासत को लंबे समय से देख रहा हूं, इंतजार करूंगा ये देखने के लिए कि क्या बीजेपी वहां पर इन दो पार्टियों को गिराती है, एनसीपी और कांग्रेस को। भरत, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि ये जो कांग्रेस एनसीपी 3 बार चुन के आई, उसमें से 1 बार तो उन्होंने शिवसेना बीजेपी को गिराया, तो उनकी टेस्ट, उनकी परफॉर्मेंस की टेस्ट 2 इलेक्शन में हुई, 2004 की इलेक्शन और 2009 की इलेक्शन। अगर यह हम ऐसे कहें कि वो क्योंकि वो चुन के आए, इसका मतलब उनका प्रशासन अच्छा था, तो मुझे लगता है आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ, जिस तरह के घोटाले लास्ट 5 ईयर्स में सामने आए, जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आया और जिस तरह की उन्होंने दोनों में जो बातें चल रही थी, कांग्रेस को भ्रष्टाचार की वजह से अपना मुख्यमंत्री हटाना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान कोई कांग्रेस के चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं थे, कांग्रेस पृथ्वीराज चौहान खुद ही कहते हैं कि वो मुश्किल परिस्थितियों में महाराष्ट्र में आए थे, उनको हटाना पड़ा जब अशोक चौहान के ऊपर चार्जेस गंभीर लगने लगे, तो भ्रष्टाचार के मसले में अशोक चौहान हटे और पृथ्वीराज चौहान आए। हाँ भरत जी, या तो ये, और दूसरी बात ऐसी है कि सब लोगों ने देखा है, उसमें कोई लोगों ने मानने का सवाल नहीं, जो मीडिया में हमने सब देखा था, ऐसा लग रहा था, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा, कि जैसे इस राज्य में एक सरकार या दो सरकारें है, ये लोगों को पता नहीं चला, ऐसे ओपनली कांग्रेस और एनसीपी के ज्येष्ठ नेता, शीर्ष नेता एक दूसरे के खिलाफ ना सिर्फ बोलते थे, बहुत गहरे तरह के वो आरोप करते रहे, और इसके बावजूद अगर आप लोग कहे कि उनका प्रशासन अच्छा था इसलिए उनको 2 बार चुन के दिया, तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है। लोग इस सरकार से पूरे तंग हुए के जगह थे, इसलिए अगर शिवसेना बीजेपी एक साथ आते थे तो भी ये गिरते थे, अगर दो अलग अलग लड़े फिर भी वो गिरने जा रहे हैं। मुझे मेरे ख्याल में भारत का कुछ, भरत कुमार रावत का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अखिलेश, आप कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं एक ब्रेक लूंगा। मैं बात पूछना चाह रहा था कि क्या इस चुनाव में मुद्दा एनसीपी कांग्रेस सरकार की परफॉर्मेंस या सो कॉल्ड फेल्यूर था या नहीं था, क्योंकि जितना मैंने प्रचार देखा है, सभी नेताओं के भाषण सुने, मुझे लगा कि सबका फोकस या मुद्दा जो इस चुनाव में था वो नरेंद्र मोदी था, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे एनसीपी के नेता हो, चाहे शिवसेना जो कल तक बीजेपी के साथ थी, जिसके एक मंत्री आज भी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में है, अनंत गीते, सब लोग एक सिरे से नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले कर रहे थे। मुद्दा यह था कि नरेंद्र मोदी चुनाव में प्रचार क्यों कर रहे हैं महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री होते हुए भी। मुझे लगा कि एनसीपी कांग्रेस के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को मुद्दा बना दिया बाकी पार्टियों ने शिवसेना समेत, उससे मुझे लगा एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिला है, उससे बड़ा फायदा। प्रसाद जल्दी से, हाँ अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं फिर मैं एक लूंगा ब्रेक। जो अखिलेश पॉइंट रख रहे हैं कि फोकस जो है टारगेट नरेंद्र मोदी बने, इसलिए स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा करती है, नरेंद्र मोदी का नाम का सिक्का चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा लेगी। मैं शोभा आऊंगा आपके पास एक ब्रेक के बाद। जी दरअसल इसमें मैं एक बहुत छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि अगर चुनाव प्रचार की बड़ी बड़ी पार्टियों में अगर उनके प्रचार की लाइन देखें तो कांग्रेस एनसीपी मोदी के खिलाफ तो थी, लेकिन शिवसेना और एमएनएस भी मोदी के खिलाफ थी। दरअसल लोगों को इस समय कांग्रेस एनसीपी का विकल्प चाहिए था, बीजेपी का विकल्प नहीं चाहिए था, और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने आप को कांग्रेस एनसीपी का विकल्प ही साबित करने की कोशिश की, और लोगों ने उस विकल्प को चुनने के लिए शायद वोट किया होगा। बहुत महीन बात कह रहे हैं यहाँ पर प्रसाद, लेकिन दिलचस्प है। मेरे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, हम महाराष्ट्र पे कुछ और चर्चा करेंगे और साथ में हरियाणा की तरफ भी देखेंगे, इस राज्य के बारे में, हरियाणा के बारे में। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दूं, ये दोनों ऐतिहासिक है, महाराष्ट्र को और हरियाणा दोनों को मैंने लंबे समय से देखा है। 1996 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी कभी भी डबल डिजिट, ये कहते हैं 10 का आंकड़ा, हरियाणा में पार नहीं कर पाई है। अगर वहां पर भी ये सरकार बनाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत दिलचस्प होगा। वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।